वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्कल में जो आपने अभी तक पढ़ा, वेरियस फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल का जनरल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, इतनी बातें हमने सर्कल में डिस्कस करी हैं। ये सब टेस्ट में आपको आएगा, जो आज तक अपन पढ़ लेंगे और कल तक पढ़ लेंगे, फ्राइडे तक। तो इसलिए इनकी तैयारी करिए। और स्ट्रेट लाइन भी आएगा टेस्ट में, पॉइंट्स नहीं आ रहा है, केवल स्ट्रेट लाइन आएगा। पॉइंट से तैयारी करिए। रचना माइक म्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए तो अगली बात शुरू करते हैं। जो लास्ट में आपने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल देखा था, उसी से रिलेटेड बात है। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो आपको ये हेडिंग में पॉइंट भी दिया होगा और सर्कल भी दिया होगा। सर्कल गिवन है तो सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम सर्कल के सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये सीपी। और यदि आप इस सीपी में सर्कल का रेडियस ऐड कर देते हो, मतलब ये जो लेंथ बची हुई है, यदि आप ये लेंथ ऐड कर दो जो कि रेडियस है, तो ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो यू गेट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब इस केस में जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल इज CP प्लस R। CP मतलब सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और सेंटर और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में यदि आप ये रेडियस ऐड कर देते हो, तो ये पॉइंट P का सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। एंड सिमिलरली इफ यू हैव टू राइट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल, इट इज CP माइनस R। और इस पे मॉड लगा देंगे। मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये पॉइंट P सर्कल के अंदर लाई कर ले, और जब सर्कल के अंदर लाई करेगा तो CP R से छोटा हो जाएगा, और यदि CP R से छोटा है तो CP माइनस R नेगेटिव हो जाएगा। बट चूंकि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया, ताकि ये जो क्वांटिटी आए फाइनल, ये हमेशा पॉजिटिव रहे। तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए आपने सेंटर और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और सेंटर और पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस में से यदि आप ये रेडियस सबट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको ये लेंथ मिलेगा। ये जो लेंथ है, ये लीस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का फ्रॉम दी सर्कल, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है, और ग्रेटेस्ट के लिए रेडियस ऐड करना है, और लीस्ट डिस्टेंस के लिए रेडियस को सबट्रैक्ट कर देना है।
तो हमेशा किसी पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस का मतलब है पॉइंट का सर्कल के सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस होगी ये लीस्ट होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक ये ग्रेटेस्ट होगी। तो हर बारी सी और पी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और ग्रेटेस्ट और लीस्ट के लिए हम आर को ऐड और आर को सबट्रैक्ट करेंगे रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट के लिए आर ऐड करना है और लीस्ट के लिए आर को सबट्रैक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू बी या प्लस 1 ही लिख, प्लस 1 लेने से सर्कल का सेंटर भी 1, 1 पर आ जाएगा और रेडियस भी 1। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट P जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि जो लास्ट क्लास में आपने सीखा था कि इफ वी पुट डायरेक्टली x की जगह 1 और y की जगह पर 2 तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, और यदि s1 पॉजिटिव है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल। तो आपको अब इनका ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस निकालना है, और सर हमें निकालना है कि आपने कहां पे सबसे पहले जो है आपने सर्कल का बीच बीच में मत बोलो भाई क्लास चलते हुए। सबसे पहले आप सर्कल का सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन में। तो सेंटर्स का आता है -1, -1 और रेडियस कैलकुलेट करोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से रेडियस भी आएगा 1। अब आपने सेंटर्स ऑफ पी के बीच का डिस्टेंस निकाल के रेडियस को ऐड कर देना, मतलब जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू सी और पी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और 9 √13 आएगा, और इस √13 में रेडियस को ऐड कर देना। तो दिस इज अवर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, और लीस्ट डिस्टेंस के लिए √13 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो। CP plus R greatest distance होगा और CP minus R least distance होगा। तो CP center और point के बीच का distance होता है, वो आपने calculate कर लेना है। 2 × 4 = 9 = 13 ठीक है, इसको note कर लीजिए। तो this is the greatest and least distance of point with respect to circle. नोट करिए थे, और ये लास्ट टॉपिक उसका था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसी से एसोसिएटेड बात है इसलिए उसी टॉपिक में हम ऐड करके डिस्कस करेंगे। और अब इसमें जो अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। जैसा कि आपने किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन देखा तो टोटल 3 पोजीशन हो सकती है पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा या सर्कल के ऊपर होगा। हम एक एक सिचुएशन ले रहे हैं और उन पर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें और उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो हम सबसे पहला केस उसमें ले रहे हैं व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जब कोई पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाए करेगा तो फिर उसके लिए क्या एप्लीकेशन बनते हैं। तो पेज नंबर 2
और इसमें हम पोजीशन ले रहे हैं पॉइंट की, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या उसको ऐसा लिख सकते हैं व्हेन पॉइंट लाइज ऑन टू द सर्कल। उसकी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ कि जब कोई पॉइंट किसी सर्कल पर लाई करेगा तो उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अगला हेडिंग है इस बात का अपन एप्लीकेशन देख रहे हैं, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन टू द सर्कल, जब कोई पॉइंट किसी सर्कल पर लाई करेगा तो इसके लिए क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपको जो कोनिक सेक्शन पढ़ना है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, वहां पर भी जब ये सिचुएशन आएगी तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट से यूज करना जो कंसेप्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाला है इसको आप यदि डायग्राम में देखो तो आपको एक सर्कल दिया है और इस सर्कल पर कोई पॉइंट गिवन है। यहाँ पर मान लेते कोई पॉइंट, शुड बी पॉइंट विच इज लाइज ऑन दिस सर्कल एस इक्वल्स टू जीरो। और अभी हम यहाँ पर ये जो सर्कल है ये सर्कल को सेंटर रेडियस फॉर्म में ले ले रहे हैं और उसमें भी सेंटर हमने ओरिजिन पर ले लिया, तो ये हमने सर्कल की इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसमें हमें सर्कल का सेंटर पता है जीरो जीरो और रेडियस पता है आर, और हियर पॉइंट लाइज ऑन टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सीपी जो है वो आर के बराबर होगा, या फिर ये पॉइंट आप सर्कल में डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा। ये दो कंडीशन आपने देखी थी, व्हेन पी लाइज ऑन टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसका एप्लीकेशन ये बनता है। इस पर जो क्वेश्चन आएगा कि जब कोई पॉइंट किसी कर्व पर लाई कर रहा है तो आपको उसी पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट पूछी जाती है, सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसको अपन बोलेंगे टेंजेंट, जहां पर लाइन सर्कल को टच कर रहा है, तो दिस इज द टेंजेंट। आपको ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है और ये जो टेंजेंट है इसी पॉइंट पी से पास हो रहा है। तो इसपे एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जब पी सर्कल पर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पी से पास होने वाला सर्कल का टेंजेंट निकालिए। टेंजेंट का मतलब अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट एट पॉइंट पी। सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, और जबकि आपको बस इसमें पता है सर्कल का सेंटर, मतलब ओरिजिन पता है आपको, दिस इज आवर ओरिजिन, ये सेंटर आपको पता है सी, और इसकी रेडियस पता है, तो सेंटर और रेडियस से आप ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट गिवन है। पॉइंट गिवन होने का मतलब है पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन, तो हमने मान लिया कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हमको ये लाइन का इक्वेशन लिखना है, और आप जानते हो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो ही बातें रिक्वायर्ड है, एक तो लाइन पर कोई पॉइंट जो कि ऑलरेडी गिवन है, दूसरा लाइन का स्लोप। यदि आप किसी तरीके से इस लाइन का स्लोप निकाल लो तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, तो फिर आप ये लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो ये लाइन का स्लोप, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए, मतलब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो बातें रिक्वायर्ड है, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, हियर वी राइट द स्लोप, हाउ वी फाइंड द स्लोप, तो स्लोप केवल इतना होगा, आपने बहुत छोटे में पढ़ा है कि जब आप इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होती है। ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, जहां पर लाइन सर्कल को टच कर रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये जो सीपी है ये टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, या सीपी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो अब आप सीपी का स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि सीपी पर दो पॉइंट है जीरो जीरो और एक्स वन वाई वन। तो फर्स्ट वी राइट द स्लोप ऑफ सीपी
और आप जानते हो सीपी का स्लोप निकालने के लिए टू पॉइंट फॉर्मूला से स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है वाई वन माइनस जीरो अपॉन एक्स वन माइनस जीरो, और इसलिए स्लोप जो आ जाएगा इट इज वाई वन अपॉन एक्स वन, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, या स्लोप ऑफ सीपी अभी आप बोलो, तो सीपी का स्लोप आ गया आपके पास वाई वन अपॉन एक्स वन, और जब सीपी का स्लोप आ गया तो आप टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हो, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है सीपी पे टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे विथ माइनस साइन, माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन, और रीजन आप क्या दोगे, क्योंकि जो टेंजेंट है दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू सीपी, टेंजेंट जो है वो सीपी पे परपेंडिकुलर है, और इसलिए हियर वी राइट द स्लोप ऑफ सीपी, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो अब अपने पास ये लाइन का स्लोप भी आ गया और लाइन पर पॉइंट भी दिया है, सो नाउ वी आर कैपेबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। So here equation of tangent is two point for, sorry point slope formula. The formula hota y minus y1 is equals to slope ye aapko tangent ka slope, equation mil gaya, lekin ab apan is equation ko bhi thoda sa simplify kar rahe hain और मैं एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जा रहा हूं इसको ताकि आप इसे डायरेक्टली इतना भी कैलकुलेशन से बच जाए, वो कैलकुलेशन से आपको बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो y1 है इस y1 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब y1 को इधर मल्टीप्लाई किया, so we get y y1 minus y1 square minus x x1 plus x1 square, और अब सारे टर्म पॉजिटिव कर लें, मतलब जो यहाँ नेगेटिव वाला टर्म है वो यहाँ ट्रांसफर, जो यहाँ वाला नेगेटिव वाला टर्म है उसको यहाँ ट्रांसफर कर, so here we get x x1 plus y y1 is equals to x1 का square plus y1 का square, and therefore equation of tangent is x x1 plus y y1 equals to r square, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। तो जब भी आपको आगे से, और मैं इसका भी और भी एक तरीका आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आप टेंजेंट का आज पोर्शन ये कंप्लीट करोगे बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी, अभी तो अपन इनिशियल शुरुआत किए हैं, तो मैं यहां से शुरू किया कि जब पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा तो उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसकी हेल्प से वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमको केवल स्लोप चाहिए, स्लोप निकालने के लिए हमने सीपी का स्लोप निकाला, उससे टेंजेंट का स्लोप लिख लिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के वी गेट दिस इक्वेशन, एंड आफ्टर राइटिंग दिस इक्वेशन इसको अपन सिंप्लीफाई करके यहां तक ला लेते। अब यहां तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, If you face any difficulty to write this equation, यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी है तो पूछें। सर, हाँ बोलिए सर। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब सेंटर जीरो का मज़ी। नहीं, मैं आपको सेंटर दूसरा भी लेके बताता हूँ, ठीक है? नहीं, ये इक्वेशन। ये इक्वेशन भाई सेंटर चेंज होगा तो इक्वेशन चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो जीरो सेंटर है, जब सेंटर चेंज करोगे तो इक्वेशन डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो मैं आपको सेंटर दूसरा भी लेके टेंजेंट की इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ, और उसके बाद अपन उसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे, थोड़ा सा इजी एक फॉर्मूला, ठीक है? तो फिलहाल तो ये इक्वेशन ये है, यदि आप सेंटर चेंज करोगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद रखना है कि जब पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा तो ही ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है? और अब एक बात आप समझें कि ये तो सर्कल था
और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं जो आपके साथ बात डिस्कस कर रहा हूँ, सर्कल में ही ऐसा पॉसिबल है कि जब आप सेंटर को पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो इस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। बाकी यदि ये कर्व सर्कल के अलावा पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला रहा, तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप, सबसे पहली बात तो जैसे मैं पैराबोला की करूं, तो पैराबोला की सर्कमफेरेंस पे अपन कोई पॉइंट ले, उस पे कोई टेंजेंट आपको निकालनी है, और वो टेंजेंट पैराबोला में कहीं सेंटर नहीं होता, पैराबोला का होता है तो फोकस होता है। तो जब आप इसको फोकस से ज्वाइन करोगे तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं होता है। इलिप्स में सेंटर होता है, ये इलिप्स है, इलिप्स में सेंटर होता है सी, लेकिन इसमें ये नहीं होता है कि जब इस पे कोई पॉइंट दिया है आप उस पे टेंजेंट निकाल रहे हो और इन दोनों को जब ज्वाइन कर रहे हो तो ये इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे भी नहीं होता, और हाइपरबोला में भी ऐसा नहीं होता। केवल इन केस ऑफ सर्कल सीपी जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और इसलिए यहाँ पर हम बड़ा इजीली ये टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सीपी का स्लोप लिख सकते हैं और सीपी जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, तो इसलिए इजीली आप टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हो -x1/y। लेकिन जब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या इनके अलावा कोई कर्व आएगा जिसपे कोई पॉइंट दिया होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन आपको इस तरीके का कोई कर्व दिया है और इस पे कोई पॉइंट दिया है और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, तो यहाँ तो कहीं कोई सेंटर नहीं, और इसलिए सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर नहीं बनेगा टेंजेंट पे, सेंटर है ही नहीं। तो जब कर्व आपका इस तरीके का कोई कर्व आएगा, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला आएगा, तब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, अब अपन उस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। फिर अपन इसको सेंटर को 0, 0 के बजाय -g, -f पे शिफ्ट करके भी मैं बताऊंगा कि टेंजेंट की इक्वेशन में कितना चेंजेस आता है। तो फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि मान लो सर्कल नहीं रहा, पैराबोला रहा, इलिप्स रहा, हाइपरबोला रहा, या अदर देन सर्कल कोई कर्व रहा जिसपे हमको किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मेन हमारा एम जो है, चूंकि पॉइंट तो दिया है, बस टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और स्लोप एक बार मिल जाता है तो आप लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन इजीली लिख सकते हो, क्योंकि इसमें बस हमारा ये मेन पार्ट है -x1/y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब मैं आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला यदि ऐसे करवाते जो आपको आगे पढ़ने हैं कॉनिक सेक्शन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पोर्शन, वहां पर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आएगा, तब ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि सीपी जो है वो लाइन पर, टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर हो, तब आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, मतलब दिस इज द सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग स्लोप, जो कि हेल्पफुल यहां पर भी है और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी आपको मदद करेगी। सो अब हम जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो है, इट इज द सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेकेंड मेथड फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक तो अपन ने इस तरीके से निकाल लिया सर्कल में, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सभी ने कंसेप्ट पढ़ा है कि जो कर्व होता है उसमें आपने पढ़ा है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। जब आप किसी कर्व को डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो डिफरेंशिएशन का जो मैथमेटिकल मीनिंग है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, कि जब आप किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो इनडायरेक्टली जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है। ये हमेशा याद रखें कि जो dy/dx होता है, इट इज ऑलवेज डिनोट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कैसे, आपने सभी ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा और स्ट्रेट लाइन में y = mx + c पढ़ा, और y = mx + c में आप m को स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन बोलते थे,
यहाँ पर m क्या होता था, m इज द स्लोप ऑफ लाइन, m जो है वो इस लाइन का स्लोप है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसमें m को आप स्लोप बोलते थे। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, जब आप इस कर्व को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव करोगे, बहुत बेसिक डेफिनेशन डिफरेंशिएशन आपको सिखाया गया है कि जब आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है dy by dx, mx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आएगा m, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू गेट dy by dx equals to m, और आप देख रहे हो कि यहाँ m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्टली उस कर्व का स्लोप फाइंड कर रहे होते, टेंजेंट का स्लोप। तो यहाँ पर dy by dx बराबर m आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि किसी कर्व का डेरिवेटिव उस कर्व के स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है, मतलब आगे से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे dy by dx। तो दिस इज द सेकेंड वे फॉर फाइंडिंग स्लोप, और विच इज यूजफुल टू एवरी कर्व, यदि वो सर्कल रहा, पैराबोला रहा, इलिप्स रहा, हाइपरबोला रहा, तो कभी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है उसी पॉइंट पर। अब उस कर्व को डिफरेंशिएट करना है उसी पॉइंट पर, इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको अगले पेज पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लें। तो अब देखिए ये जो टेंजेंट का इक्वेशन मैंने निकाला है इसको मैं यहीं रख रहा हूं, और मैं अब आपको मेनली हमारा ये है, बाकी की कैलकुलेशन हमारी सेम रहेगी, मैं आपको ये माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन जो अभी हमने सीपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट से निकाला था वो अब मैं डेरिवेटिव से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो बाकी अपना प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम रहेगा। सो थर्ड पेज पर यही टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए अपन डेरिवेटिव से स्लोप निकाल रहे हैं, ये सेकंड मेथड से स्लोप निकाल रहा हूं। दिस इज आवर थर्ड पेज। हमारा जो कर्व हमको गिवन है वो है सर्कल, और हमको टेंजेंट निकालनी है एक्स वन वाई वन पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हियर बी राइट डिफरेंशिएट, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब गिवन सर्कल की इक्वेशन With respect to x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, हियर वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y dy by dx और इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप dy by dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dy by dx का वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई है, ये आ गया डेरिवेटिव, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस कर्व पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट चेंज करोगे तो लाइन चेंज हो जाएगा टेंजेंट हर पॉइंट पर। जैसे आप ये देख रहे हो कि ये सर्कल है, इस सर्कल पर यदि ये पॉइंट लूंगा तो टेंजेंट ये बनेगी, ये पॉइंट लूंगा तो टेंजेंट ये बनेगी, ये पॉइंट लूंगा तो टेंजेंट ये बनेगी, ये पॉइंट लूंगा तो टेंजेंट ये बनेगी। इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स आप बना सकते हो इस सर्कल पर, और उन सारे टेंजेंट का जो स्लोप है वो इतना हो। तो अब आपको यदि एक्स वन वाई वन पॉइंट पर टेंजेंट बनानी है, मान लो दिस इज अवर एक्स वन वाई वन पॉइंट, तो अपन क्या करेंगे,
ये एक्स वन वाई वन पॉइंट यहां पर डाल दे इस स्लोप। सो देयरफॉर इसके बाद की जो लाइन है वो ये है कि डेरिवेटिव करने के बाद देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन इज एक्स की जगह पर एक्स वन डाल दीजिए और वाई की जगह पर एक्स की जगह इस पॉइंट पर निकालना। मान लो ये पॉइंट जैसे 2.3 होता तो अपना स्लोप -2/3 हो जाता। मान लो ये पॉइंट 1.2 होता तो स्लोप -1/2 हो जाता। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करके पॉइंट डाल दो तो यू गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। और देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले भी आया तो ये आया। अब आपको इस लाइन का स्लोप पता चल गया। तो पहले स्लोप हमने सीपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट से निकाला था, दूसरा मैंने स्लोप जो निकाला है वो इस मेथड से निकाला है। ये कर्व को डिफरेंशिएट किया, पॉइंट डाल दिया, सो वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। वंस वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट उसके बाद के स्टेप्स ये हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो पहले भी टेंजेंट की इक्वेशन ये आई थी, अभी भी टेंजेंट की इक्वेशन ये आई। दोनों मेथड में बस फर्क इतना है, पहले अपन ने सीपी परपेंडिकुलर आर से सॉरी सीपी परपेंडिकुलर टेंजेंट से स्लोप निकाला था, लेकिन फिर अपन ने ये सोचा कि जब पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला आएगा तब तो सेंटर नहीं होता वहां पर, तब आप कैसे निकालोगे स्लोप, क्योंकि टेंजेंट लाइन लिखने के लिए स्लोप रिक्वायर्ड है, तो वहां तो सेंटर होता नहीं। तो इसलिए अब आपने यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट ये सीखा कि जब सर्कल के अलावा कोई कर्व आएगा पैराबोला एलिप्स या हाइपरबोला तब अपन उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे उस पॉइंट पर। सो वी गेट द स्लोप एंड वंस वी गेट द स्लोप सो वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। ये हमारी दूसरी बात हो गई खत्म। हाँ बोलिए सर, जब आपने y को डिफरेंशिएट किया तब 2 भी आएगा के नीचे, पावर सामने आती है। हाँ बट डेरिवेटिव तो x है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना। हाँ तो उसमें भी 2 नीचे आएगा क्या? हाँ दोनों में आता है। y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंड अपॉन x और इसलिए आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ओके सर, मतलब इसमें भी आता है वही, इसमें भी आप इसको लिखते हो 2x dx by dx। अब dx by dx जो है वो 1 हो जाता है इसलिए वो लिखते नहीं, ठीक है, इसलिए dy by dx आया। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये पूरी कैलकुलेशन एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूं बिल्कुल सेम, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। बट अब अपन यहाँ पर सर्कल की जनरल इक्वेशन ले ले रहे। अभी सेंटर हमने 0-0 पे रखा था, ये टेंजेंट बनाया। अब मैं जो सर्कल का सेंटर है वो -g -f लिख रहा हूँ, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले रहा हूँ। सो हियर वी राइट द इक्वेशन ऑफ व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, हेडिंग वही रहेगा, सर्कल की इक्वेशन बस चेंज करूंगा। और दोनों तरीके से आपको करके बता रहा हूँ ताकि ओवरऑल आपका रिविजन हो पाए। तो एक बार और अपन इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, एक बार और आपका पक्का हो जाएगा। इसका स्क्रीन शॉट ले लो पहले। Now moving on to page number 4 with the same heading. और उसी सीक्वेंस में रिवाइज कर रहा हूं ताकि पूरा आप जो है उसी ऑर्डर में मेमोराइज कर पाए। तो देखिए सर्कल की इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने सर्कल जो ले लिया जनरल इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये अपना जनरल इक्वेशन होता है। और जब जनरल इक्वेशन की आपने बात करी तो सेंटर चेंज हो जाएगा, सेंटर आ जाता है -g -f। कहानी वही है, पॉइंट हमको इस सर्कल पर दिया है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, उसी सीक्वेंस में मैं जा रहा हूं जैसे आपने अभी पिछला वाला केस किया। पूरी वही सिचुएशन ले रहे ताकि आप कंपैरिजन करके याद रख पाए। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले
वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. हमको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए और टेंजेंट के इक्वेशन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, पॉइंट और स्लोप. पॉइंट पता है, स्लोप स्लोप कैसे निकालेंगे, तो अपन पहले सीपी का स्लोप लिख लेंगे जैसे वहां पे किया था. बिल्कुल फर्स्ट मेथड है, स्लोप ऑफ सीपी. तो सीपी का स्लोप हो जाएगा वाई वन प्लस एस अपॉन एक्स वन प्लस जी. और वंस वी गेट द स्लोप ऑफ सीपी, सो वी राइट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. So now, slope of tangent, इस पे perpendicular है tangent, इसलिए it is minus, इसका reciprocal, x1 plus g upon y1 plus f. Now we get the slope. Once we get the slope, so we write the equation of tangent. So therefore, equation of tangent point slope formula, y minus y1 is equals to slope x minus x1. ये point slope formula हो, इससे tangent मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा further और simplify कर रहा हूँ, ठीक है? और simplification का reason आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, क्यों इतना simplify कर रहे हैं. तो ये y1 प्लस f से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. अगला स्टेप, पहले y1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इज y y1 माइनस y1 स्क्वायर. फिर f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज f y माइनस f y1. और अब राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई कर, तो माइनस का x x1 प्लस का x1 स्क्वायर माइनस का gx प्लस का gx1. ओपन कर दिया पूरा ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके. और अब अपन क्या करते हैं, सारे टर्म्स को पॉजिटिव करते. सारे टर्म्स पॉजिटिव करने का मतलब यहाँ जितने नेगेटिव टर्म है वो यहाँ ट्रांसफर कर दो और यहाँ के नेगेटिव वाले टर्म्स यहाँ ट्रांसफर कर दो. सारे टर्म पॉजिटिव कर दे, तो ये एक्स एक्स वन यहाँ ट्रांसफर किया तो प्लस का हो जाएगा. ऑलरेडी ये प्लस वाला टर्म है यहाँ पर वाई वाई वन. फिर ये जी एक्स वाला टर्म यहाँ पर लाएंगे और एफ वाई ऑलरेडी यहाँ पर. अब राइट हैंड साइड लिखेंगे, एक्स वन स्क्वायर ये वाला वाई वन स्क्वायर यहाँ पर जाएगा प्लस का जी एक्स वन. और इस टर्म को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का एफ वाई वन. सारे टर्म पॉजिटिव कर दिए, इधर के नेगेटिव वाले दो टर्म यहाँ भेज दिए, यहाँ के नेगेटिव वाले दो टर्म यहाँ पर. और अब बोथ साइड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करना है और वो ये है कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ मैंने कितनी क्वांटिटी ऐड करी है. लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी ऐड किया और बैलेंस करने के लिए यहां भी जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी ऐड किया. ये क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर दी, बैलेंस है हमारा इक्वेशन. और अब फाइनली वी गेट अवर इक्वेशन. देखिए इसको अरेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी वाले दोनों टर्म साथ में ले लो, एक्स प्लस एक्स वन एफ वाले दोनों टर्म साथ में ले लीजिए, एफ कॉमन हो जाएगा, वाई प्लस वाई वन और बचा कॉन्स्टेंट. राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड आया आपका एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी. सो देयरफॉर फाइनली रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन एफ वाई प्लस वाई वन प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू जीरो. दिस इज अवर फाइनल टेंजेंट इक्वेशन.
अब पहले आप इसको देखिए, समझिए, और आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। जो लास्ट स्टेप है वो फिर से बताइए ना। लास्ट स्टेप में ये सच लिख दिया था सर, ये लेफ्ट साइड में। लास्ट स्टेप में ये सच लिख दिया था, और कुछ नहीं सर। लेफ्ट साइड वाली लास्ट स्टेप, उसमें आपने जो ऐड किया हुआ ना। चलिए, हाँ सर, ये जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो जी कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स वन। इन दोनों को ऐड करोगे तो एफ कॉमन हो जाएगा और प्लस सी, ये वाला। समझ गया कुणाल? हाँ सर। नो, इतनी बात में कहीं डाउट है पूछ लीजिए, मन में मत रखिएगा। तो अब आप देख रहे हो कि आपकी जो पूरी कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम रहेगी। मैं सेकंड मेथड से जा रहा हूं ये टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए, और जिसमें सेकंड मेथड में इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम है, केवल चेंजेस आएगा तो ऊपर वाले पोर्शन में। चूंकि जब ये सर्कल के बजाय आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला देंगे, तब ये आप नहीं बता सकते कि सीपी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है या नहीं, वहां पर होता ही नहीं है, और इसलिए आप सीपी की हेल्प से स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं लिख सकते। तब आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में एक ही कंसेप्ट यूज करना होगा स्लोप फाइंड करने के लिए, और वो है हमारा डेरिवेटिव का मेथड, डिफरेंशिएशन। तब मैं वो डिफरेंशिएट करके ये स्लोप बना देता हूँ। ये जो आपने अभी स्लोप बनाई है, ये डिफरेंशिएट करके कैसे लाओगे वो आप देखते हैं। ठीक है, तो पूरा यही रख रहा हूं मैं, चेंज कर रहा हूं, केवल सेकंड मेथड से स्लोप निकालना आपको बता रहा हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। पांचवा पेज देखे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दो, बोलना ना। स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दो भैया। बढ़िया सा जो फोटोग्राफी कर लेता है स्क्रीनशॉट भेजता है। अब देखिए मैं आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया है, सेकंड मेथड से हम ये इक्वेशन तक पहुंच रहे हैं, और सेकंड मेथड में चेंजेस केवल स्लोप के कारण आते हैं। तो देखिए अब यहां पर स्लोप निकाल के दिखाता हूं, इसमें आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, जो सर्कल की इक्वेशन थी वो अपनी ये थी, 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये डिफरेंशिएट इसको, जैसा आप डेरिवेटिव करते हैं वो डेरिवेटिव ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy dx, 2gx का डेरिवेटिव 2g, 2fy का डेरिवेटिव dy dx इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तब आपको क्या मिलेगा यहां से, तो देखिए अब क्या होगा, dy dx की वैल्यू हमको निकालनी है, तो dy dx वाले पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना और dy dx वाले टर्म साथ में ले लेना, तो क्या मिलेगा, y plus f dy dx और x plus g बचे, 2 से डिवाइड कर दिया और इस तरीके। तो यहां से dy dx का वैल्यू आएगा माइनस x plus g अपॉन y plus f। Therefore, slope of
टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन इट इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे एक्स की जगह पर एक्स वन और वाई की जगह पर ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये देखो पहले भी आया था। और एक बार आपको स्लोप मिल गया तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के सेम कैलकुलेशन कर ले, वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। केवल स्लोप निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा जब आप पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में जाओगे। तो स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हो सर्कल में, बाकी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, और वो तरीका ये है, डेरिवेटिव करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आ गया आपको सर्कल का सेंटर जो मैंने चेंज कर दिया था। तो जब सेंटर चेंज किया तो आप देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतनी बन। और अब अपन चल रहे हैं पेज नंबर 6 पे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे आप डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको ये सब कैलकुलेशन से भी बचा ले रहा हूँ अभी, और मैं इसका एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूँ कि विच इज यूजफुल फॉर एनी कर्व। आपको सर्कल आए, पैराबोला आए, एलिप्स आए, हाइपरबोला आए, इसके अलावा कोई कर्व आए और उन कर्व पर कोई पॉइंट दिया है और वो पॉइंट पे टेंजेंट लिखनी है आपको, टेंजेंट लाइन बनानी है, तो वो आप देखिए मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला, इसके पहले वाला फॉर्मूला, जो दो फॉर्मूले हैं उनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल एक वो तरीका याद रखें जो कि आगे तक सबको आपको हेल्प कर जाएगा, ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, दीज आर दी एक्चुअल मेथड्स जिससे निकाला जाता है टेंजेंट का इक्वेशन, बट अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं, ठीक है। सो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ये केवल इसी कंसेप्ट के लिए ये याद रखना, ठीक है। अगली बात, इनका जो दो तरीके आपको बताए उनका भी शॉर्टकट, पेज नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपको सर्कल किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, चाहे वो ये मैंने दो सर्कल लिए हैं, ये सर्कल का इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो पहला वाला सर्कल था हमारा, और ये सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। ये सर्कल के इक्वेशन से सर्कल का सेंटर जीरो जीरो रेडियस आर आपको मिल जाता है। सेंटर रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है निकालने की, नहीं निकाल पाओ तो भी जरूरत नहीं है। तो आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, अपन सेंटर रेडियस लिख सकते हैं, ये इक्वेशन है सर्कल की, यहां पर ये डायग्राम है, उसके बाद सर्कल की इक्वेशन है, और अब कहानी ऐसी है कि हमको इन दोनों सर्कल पर पॉइंट दिया है, वो पॉइंट पे हमको टेंजेंट लिख, तो ये पॉइंट है इस पे हमने ये टेंजेंट बनाया, टेंजेंट मान लेना, ठीक है, ये टेंजेंट है, और यहां पर भी कोई पॉइंट दिया है, वो पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकाल, हम इस कंसेप्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उस पर टेंजेंट कैसे निकाल, तो टेंजेंट के इक्वेशन आपने अभी बनाए, जो बनाए वो मैं लिख देता हूं, तो यहां पर अपन लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो आपने अभी बनाया टेंजेंट का इक्वेशन, पहले कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन आपने लिखी है
ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहां भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1। तो आपने इस कर्व में अभी जो टेंजेंट का इक्वेशन बनाया था पहले वाले पेज पर, वो बनाया था x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। और इस केस में जो आपने टेंजेंट लिखी है वो आपने लिखी है x x1 प्लस y y1 प्लस, आप देखो अभी पलट के पेज, आपको ये मिलेगा, ये आपने लिखे हैं टेंजेंट के इक्वेशन लिखे, ठीक है। कैसे लिखे वो मेथड आपको पता है। अब अपन जो बात कर रहे हैं इसमें, मैं बात कर रहा हूं अब इस बात पर शॉर्टकट, और दिस शॉर्टकट इज वैलिड फॉर एवरी कर्व। मतलब आपको सर्कल दिया हो, पैराबोला दिया हो, एलिप्स दिया हो, हाइपरबोला दिया हो, इनके अलावा भी कोई कर्व दिया हो, उस पर कोई पॉइंट दिया हो, उस पर टेंजेंट बनानी है। याद रखें ये केवल इस सिचुएशन के लिए है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द कर्व। पॉइंट सर्कल पर या कर्व पर होना जरूरी है तभी ये एप्लीकेबल है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन है, ये दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि आप कंपेयर करो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, आपको शॉर्टकट इजीली समझ में आ जाए। और वो केवल इतना है कि जब मेरे को इस कर्व पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना होता है तो इस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए केवल इतने सब्स्टिट्यूशन है, और ये हर जगह हेल्पफुल है, आपको बार बार बोल रहा हूँ। पैराबोला में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लिफ्ट में भी कर सकते हैं, और हाइपरबोला में भी कर सकते हैं। और क्या है वो कि आपने x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस कर देना है। x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू x, एक x की जगह पर x1 डाल दो। y स्क्वायर की जगह पर y इंटू y1 लिख देना है, क्योंकि y स्क्वायर का मतलब y इंटू y होता है, एक y की जगह y बन ले। तो देखो x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1, और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट लिखना, तो ये आगे लिख रहा हूं। और यदि उस इक्वेशन में देखोगे तो 2x की जगह पर x प्लस x1 लिखना है। 2x का मतलब भी क्या होता है, 2x का मतलब x प्लस x, एक x की जगह x1 डाल दो। 2y को रिप्लेस करना है y प्लस y1 से, क्योंकि 2y का मतलब y प्लस y होता है, एक y की जगह y1 ले। और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही रिप्लेस करना है, जो कांस्टेंट दिया गया है वही का वही कांस्टेंट ले लो। इतने सब्स्टिट्यूशन आप याद कर लें, और ये सब्स्टिट्यूशन से कभी भी कर्व पर कोई भी पॉइंट दिया हुआ उस पर आप टेंजेंट लिख सकते हैं। केवल क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, x1 y1 ये दिए हैं आपको, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये पॉइंट। y स्क्वायर की जगह y by 1, 2x की जगह x plus x1, 2y की जगह y plus y1, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। देख लीजिए आप, x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1, कांस्टेंट को कांस्टेंट, x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1, 2x की जगह पर x plus x1, 2y की जगह पर y plus y1, और कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट है। एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे find equation of tangent at one comma root two on circle, yeah, one two likh lo, x square plus y square equals to five। तो देखो ये पॉइंट सर्कल पर लाई करता है क्योंकि सेटिस्फाई करता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो गया, पॉइंट सर्कमफेरेंस पे आ गया। अब इस पॉइंट पर मेरे को इस सर्कल की टेंजेंट लिखनी है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कहीं डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, कहीं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने, आप उनसे भी निकाल सकते हो, उससे यही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, भाई एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स इंटू एक्स वन लिखेंगे, मतलब x into 1 लिखेंगे, y square की जगह पर y into 2 लिखेंगे, मतलब 2y। This is your answer।
ये टेंजेंट लाइन बनेगी x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फाइव, जो मैंने बताया वो केवल इतना। ये सब्स्टिट्यूशन याद कर लो, ये सर्कल का कोई सा भी फॉर्म आपको दिया हो या फिर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला दिया हो, सबके लिए वैलिड, हर जगह पर यूजफुल होगा। इतने सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं, इसको नोट कर लीजिए, कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। Take the screenshot of this page. If you face any difficulty, if you have any doubt, तो उसको पूछ लें, इसको समझने में। सर सर हाइपरबोला और मतलब पैराबोला की जो इक्वेशंस होती है, थोड़ा बार फर्क रहता है ना उसमें? बहुत फर्क रहता, थोड़ा बहुत नहीं। तो सर उसमें भी वैलिड होगा ना? सब जगह, ये इधर ही नहीं, दुनिया का कोई कर्व आ जाए सब जगह वैलिड है, बशर्ते कंडीशन है पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कमफेरेंस, पॉइंट कर्व पर होना बहुत जरूरी है, कि तभी वैलिड है सब्स्टिट्यूशन सारे जब पॉइंट सर्कल पर आए, हर जगह लगा सकते हो। सर वो जो आपने राइट हैंड साइड में जो लास्ट स्टेप लिखी है ना, एंड सर वो सर एक बार फिर से बताना, ये लास्ट वाली सबसे आंसर लिखा है ना, वो वाली स्टेप फिर से बताना। देखो आपको क्या करना होता है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा x1 y1 है, मतलब हमारा अब x1 y1 पोजीशन में हमको क्या दिया है, 1 कॉमा 2 दिया है। सर्कल की इक्वेशन आपको क्या दी है, x square plus y square equals to 5। तो आपको क्या बताया, x square की जगह पर x into x1 लिखते हैं, x1 का वैल्यू कितना है 1, y square की जगह पर क्या लिखते हैं y into y1, y1 कितना है 2, और कांस्टेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट 5 को 5 से ही रिप्लेस, इतना सब्स्टिट्यूशन डाल दीजिए। किसमें डालना है, सर्कल की इक्वेशन में, तो x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, x into 1 मतलब x, y स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, y into 2 मतलब 2y, और कांस्टेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, समझ गया अभी? यस एंड सर, सर हां बोलो। अगर सर्कल की इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट दिया हो तो उसको सिंपलीफाई करेंगे ना पहले, मतलब उसको 1 बनाएंगे? हाँ, एक्स नहीं नहीं उसमें भी जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपको ये सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके दे दूं, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर दे दूं, तब भी आप यही करेंगे, 3x हो जाएगा यहाँ पर 6y हो जाएगा। ओके सर, किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, सर्कल स्टैंडर्ड में दिया हो नहीं दिया हो, ठीक है, आप ऐसे ही जा सकते हो और इससे आप अपना आंसर ला सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड बना के भी ला सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। बस आपको कोएफिशिएंट पे कोई डिस्कशन नहीं करना है, यहाँ पर आगे सामने क्या लिखा है मैंने वो नहीं लिखा, मैंने केवल लिखा एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन लिखना है। अब सामने जो कोएफिशिएंट रहेगा वो तो पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही बना रहेगा, टेंजेंट की इक्वेशन में भी वैसे ही। तो यदि यहाँ पर कोई नंबर है, सेम नंबर है, तो वो सीधे यहाँ पर आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत यूजफुल फॉर्मूला आपको ये मैं बता रहा हूँ, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह वैलिड है ये, और इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसको याद रखना आप। इसमें आप वो पूरी मेहनत से बच जाओगे जो पिछले आधा पौन घंटा में मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है, ना आपको डेरिवेटिव करना है, ना सीपी का स्लोप निकाल के टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ना पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सीधा उठा के सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। बट ये याद रखें, ये केवल आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जब क्वेश्चन यदि स्कूल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप ये सब्स्टिट्यूशन प्लीज ना लगाएं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, यदि सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है तो पूरा बाई मेथड जाइए। और कोई सवाल आपके क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आ रहा हो
कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वो पूछ लीजिए। ऋषभ बोलो सर, अगर टेंजेंट के क्वेश्चन अगर कर्व में जा रहा तो एक्स को कौन से डिवाइड करेंगे? तुम्हारी वॉइस पूरी कट गई मेरे को, कुछ भी समझ में नहीं आया। मनप्रीत सिंह एंटर हुआ। एक बार और कोशिश करें। ऋषभ बोले जो बाहर ही हो गया, एंटर कर रहा है, री एंटर। जब तक आप लोगों हेलो सर, हाँ बोलो सर। इतना सुरीला आवाज आ रहा है तुम्हारा ऋषभ, वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। ओके ठीक है, तो चलिए अभी कोई डाउट आपको नहीं है, वेरी गुड। इसको हटा देते हैं हम। ये टेंजेंट का कंसेप्ट है और अपन इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे बात, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करें। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर चलते हैं आगे। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मतलब जरूरी नहीं है इसी कंसेप्ट में अलग, जो जितना भी अभी आपने पढ़ा उस पर बेस में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आप आंसर करें सर, जो आपने कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल बताया नंबर बाबा जी, वो भी वैलिड है। ऑफ आएगा कोऑर्डिनेट में तो, अरे अंशु आगे बढ़े चलते, ये सब बातें यही कर लो तुम, सॉरी सर। तो यहाँ पे भी वही क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन सेम है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जैसे आपने वहां पर लिखा था, और क्वाड्रिलेटरल में जो आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, वो तो आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ भी वैलिड है वो कंडीशंस सेम। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी आप आसानी से लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन equation of circle is 3x square plus 3y square इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये पढ़ने का ही है अभी आपको, ठीक है, आएगा नहीं इसलिए मैं चेंज ही करके पूछता हूँ। The equation of circle which touches the y-axis at distance plus 4 from origin and cuts off an intercept and cuts off an intercept six from x-axis. Then its equation. Equation to puchhiye. Pehla option hai
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एट वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं। और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात आप हमेशा याद रखें, जैसा आपको पहले भी बताया कि आपने हमेशा एक रफ स्केच जरूर बना लेना है जो आप करने वाले हो, बहुत कुछ आइडिया लगता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो सर्कल है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है 4 यूनिट डिस्टेंस पे ओरिजिन से, और इसका लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आपको 6 यूनिट दिया है। तो आपको बताना है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सर्कल की इक्वेशन के लिए मेनली आपको दो ही चीजें निकालनी होती है, कभी भी सर्कल पूछा जाए उसका सेंटर और रेडियस किसी तरीके से आप निकाल लो। वंस यू गेट द सेंटर एंड रेडियस यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे। सेजल मानकापुर ब्रांच से आप करेक्ट है, आप बोलो ऋषभ। सर जरूरी नहीं ओरिजिन से पास हो सर्कल? नहीं, ये ओरिजिन से पास ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि सारे ऑप्शन ऋषभ सारे ऑप्शन ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं, सारे नहीं हो रहे, क्योंकि ओरिजिन से पास होगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, ये बहुत पहले आपने सीखा। मयूर करेक्ट है। चलिए तो इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ जाते हैं, दो बच्चों ने सही आंसर दिया, सेजल मयूर और अभी आर्यन गणवीर भी करेक्ट हैं, वेरी गुड आर्यन। तो बाकी बच्चों के लिए होमवर्क है, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। आयुष चेक करें अपना आंसर, कल का वीडियो कल डाल चुके भाई साहब। प्रणव चेक करें, बाय एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ। कुणाल चेक, बाय सर, बाय।